वालेकुम, देसी जायका वी जीनत में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ रूह अफ़ज़ा शरबत। ये दो तरीके का बनेगा, एक प्लेन शरबत बनेगा और एक मिल्क के साथ, दूध के साथ बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे शरबत के लिए। बिस्मिल्लाह। अगर आप ठंडा शरबत नहीं पसंद करते हैं तो नॉर्मल भी पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ठंडा पानी से शरबत बहुत अच्छा लगता है। इसमें मैं रूह अफ़ज़ा शामिल कर रही हूँ, आप चाहे कोई भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चार से पांच चम्मच शक्कर इसमें डाल लेंगे। शरबत के लिए जो है मैं शक्कर जो है पीस के रख देती हूँ तो घुलने में आसान हो जाती है, क्योंकि ठंडे पानी में शक्कर जल्दी घुलती नहीं है। इसलिए आप भी शक्कर जो है शरबत के लिए पीस के रखेंगे तो झटपट से इफ्तारी में शरबत बन जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से शरबत रेडी हो गया है, अब हम इसको सर्व करेंगे। दूध का शरबत बनाने के लिए हम इसमें ठंडा दूध इस्तेमाल करेंगे। रूह अफ़ज़ा डाल देंगे। चीनी, यहाँ चार चम्मच चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। अब इसको मिक्सर में जरा सा घुमा लेंगे। ये देखिए जरा सा थोड़ी देर के लिए घुमाया था क्योंकि शक्कर भी मैंने इसमें पीसी हुई इस्तेमाल की थी। अब हम आपको सर्व करके बताएंगे। दूध के शरबत में यहाँ पर मैंने चिया सीड भिगो दिया था, इसको आधा घंटे भिगो दिया था। कटोरी में थोड़ा पानी शामिल करके, ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारी रेसिपी मुकम्मल हुई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान रेसिपी के साथ में। अल्लाह हाफिज़।